दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम बल्ब के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हमारे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें बल्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो जरूर बनता है। उसमें यह पूछ लिया जाता है कि बल्ब के सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बल्ब का कितना वाटेज रहेगा, बल्ब कौन सा ब्राइट जलेगा और कौन सा लो जलेगा। तो दोस्तों ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक 60 वाट का बल्ब लिया है और एक 100 वाट का बल्ब लिया है। सबसे पहले हम इन बल्ब का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि कौन सा बल्ब कितनी करंट लेता है और कौन सा बल्ब ब्राइट जलता है और कौन सा बल्ब लो जलता है। जैसा कि ये जो बल्ब हैं ये डोमेस्टिक वाले बल्ब हैं, तो इनको चलाने के लिए हम 230 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज करेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से कनेक्शन करने होंगे। यहाँ पर पहले मैंने 60 वाट का बल्ब लगाया है, उसके बाद मैंने 100 वाट का बल्ब लिया है। अब हमने इन दोनों लैंप को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और पावर सप्लाई से कनेक्ट करके चेक करेंगे कि कौन सा लैंप कितनी करंट लेता है और कौन सा लैंप ब्राइट जलता है और कौन सा लो जलता है। अब हमने इन दोनों लैंप को पैरेलल में कर लिया है और पावर सप्लाई से भी कनेक्ट कर लिया है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वह 60 वाट के बल्ब की अपेक्षा ज़्यादा रोशनी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बल्ब है वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो जिस बल्ब का ज़्यादा वाटेज रहेगा वह ज़्यादा रोशनी देगा और जिस बल्ब का कम वाटेज रहेगा वह कम रोशनी देगा। अब दोस्तों हम इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि ज़्यादा वाटेज वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइट यानी ज़्यादा रोशनी क्यों देता है। ये समझने के लिए हमें दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले हम 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पावर वाले फॉर्मूले का यूज करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पावर वाला फॉर्मूला लिया है। अब पावर वाले फॉर्मूले के द्वारा हम रेजिस्टेंस को निकालेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल कर आया है वह है R=V²/P। तो वोल्टेज की जगह हम 230 वोल्ट देंगे और पावर की जगह 60 वाट देंगे। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल कर आया है वह है 881.67। अब हम इसी तरीके से 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस भी निकाल लेते कि 100 वाट वाले बल्ब के टंगस्टन का रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूले का यूज करना होगा और वोल्टेज की जगह 230 वोल्ट लेंगे। तो 100 वाट वाले बल्ब के टंगस्टन के रेजिस्टेंस की वैल्यू 529 ओम आती है। अब दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जो बल्ब जितनी ज़्यादा पावर लेगा वह बल्ब उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। अब दोस्तों हम अब वापस हमारे फॉर्मूले पर आते हैं। जैसा कि पावर का फॉर्मूला था P=V²/R, यानी पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब R बढ़ेगा तो हमारी पावर कम होगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी पावर कम होगी और पावर कम होगी तो ब्राइटनेस भी कम होगा। यानी जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस बल्ब की पावर कम होगी और वह बल्ब कम ग्लो होगा, और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम है उस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी और वह बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा। हम बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भी हम देख लेते हैं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो होता है और कौन सा बल्ब कम ग्लो होता है। जैसा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि दोनों बल्ब पर जो वोल्टेज जा रहा है वह वोल्टेज सेम रहेगा, और यदि हम इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से हटाकर सीरीज कॉम्बिनेशन में कर देते हैं तो हमारे दोनों बल्ब पर जो वोल्टेज है वह अलग अलग हो जाएगा और जो करंट है वह सेम हो जाएगी। दोनों बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से इन दोनों बल्ब को कनेक्ट करना होगा। जैसा कि आप ड्राइंग के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इन बल्ब को पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हम इन बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और पावर सप्लाई देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इन बल्ब को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा 60 वाट वाला बल्ब है वह बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है और जो हमारा 100 वाट वाला बल्ब है वह बहुत कम ग्लो हो रहा है। जैसा कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था हमारा जो 100 वाट वाला बल्ब है वह ज़्यादा ग्लो हो रहा था और 60 वाट वाला बल्ब कम ग्लो हो रहा था, बट दोस्तों यहाँ पर जस्ट उल्टा है। हमारा 100 वाट वाला बल्ब बहुत कम ग्लो हो रहा है और 60 वाट वाला बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों यह कैसे होता है यह भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बल्ब का जब सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो दोनों बल्ब पर जो करंट होती है वह सेम होती है, तो यहाँ पर हमारा पावर वाला फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, मतलब P=I²R। अब दोस्तों हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें यह था कि जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी वह ज़्यादा रोशनी देगा। तो यहाँ पर अब हम पावर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पावर वाला फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है P=I²R। जैसा कि यहाँ आप फॉर्मूले में देख सकते हैं पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी यदि हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारी पावर भी ज़्यादा होगी और यदि हमारा रेजिस्टेंस कम है तो पावर भी कम होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 60 वाट वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी और पावर ज़्यादा होने से इसका ग्लो ज़्यादा होगा, और जो 100 वाट वाला बल्ब है उसकी पावर कम है
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वाट वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस था वह 529 ओम था। तो 529 ओम जो है वह हमारे 60 वाट वाले बल्ब के रेजिस्टेंस से कम है, तो इसकी जो पावर है वह भी कम हो जाएगी, और पावर कम होने से हमारे 100 वाट वाले बल्ब का ग्लो भी कम हो जाएगा। यानी 100 वाट वाला बल्ब बहुत लाइट ग्लो करेगा और 60 वाट वाला जो बल्ब है वह हमारा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमारा जो बल्ब का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो होगा और कौन सा बल्ब कम ग्लो होगा। और दोस्तों, इस बल्ब का ग्लो होने का कारण भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को सभी तक भेज दीजिए ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।